मौसम हो गया है ठंडा ठंडा एकदम आलसी। गुड मॉर्निंग गाइस, हालत देख के आपको लग ही रहा होगा अभी सोकर उठे हैं। और अभी अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग एडिट किया है जो कि कल का ब्लॉग था, अभी आपने देख भी लिया होगा शायद, तो वो मैंने एडिट किया है अभी। और कल रात मैंने अपने बालों पर ऑयल लगाया था, तो मैं अभी सर धोने जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई वीडियो फिल्म कर पाऊँगी अपना, बिकॉज़ ऑयल वाले बालों में तो काम नहीं हो पाता है। तो चलो जल्दी से नहाते हैं। और आज मैंने, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि वो रेसिपी में आज मटर पनीर बनाने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मटर पनीर खाने का सबका मन था काफ़ी दिनों से, मेरा और दिवेश का खास करके। तो मैंने मम्मी से बोल दिया कि आप रेसिपी बना रहे हो थोड़ी ज़्यादा बना लेना, हम लोग उसी से खाना खा लेंगे। तो अभी मैं शैम्पू को भेज रही हूँ तो वो जल्दी से शूट करके ले आएगा। आज मैं और दिवेश नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा आज हेक्टिक डे होने वाला है। और गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 पुशअप चैलेंज। तो आज से आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी, डे 1, डे 2, डे 3। 30 दिन का चैलेंज है ये और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा बेसिक इस बार जो गोल है वो है दिवेश का फैट लॉस, क्योंकि दिवेश का जो फैट है वो काफ़ी धीरे धीरे जा रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू डू द डाइट एंड एक्सरसाइज प्रॉपरली, बट अभी चैलेंज लेंगे तो उसके बर्थडे तक मैंने कुछ टारगेट्स बनाए। लेट्स सी इफ वी कुड वर्क ऑन दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और थोड़ी सी डरी हुई भी हूँ कि पता नहीं कैसे करेंगे जब ट्रैवल करेंगे, वो देखना पड़ेगा। वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, जब आप ट्रैवल करते हो आपको समझ नहीं आता डाइट कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करें। बट होपफुली जैसा कि मैंने प्लान बनाया उस हिसाब से हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे, तो मे बी हम पॉसिबल कर पाए उस चीज़ को एंड आप लोगों को ये जर्नी साथ में देखने को मिलेगी। मैं डेफिनेटली हर चीज़ अपलोड करूँगी, सो लेट्स सी कि ये कैसा जाता है। और आज के दिन की जो स्टार्ट है वो मैं बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि जिससे मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर सकूँ एंड वी कैन जस्ट अचीव आवर गोल। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो आप भी आज से स्टार्ट कर सकते हो 30 डे पुशअप चैलेंज, 100 पुशअप्स एवरी डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ और एक एनर्जेटिक स्टार्ट करते हैं आज के दिन का। तो अभी मैंने यहाँ पे लौकी, चने की दाल, टमाटर, नमक और पानी डाल दिया है, रूरू के लिए उबाल रही हूँ और थोड़ा सा तड़का लगा लूंगी बाद में। और जूस बनाया यहाँ पर मैंने दिवेश के लिए, ये खीरे का। इतना ग्रीन क्यों है ये? खीरे का है, बहुत सुंदर जूस नहीं है? अच्छा ही लग रहा है, पी के देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। ठंडा ठंडा ऐसे पीना चाहिए जूस, खास करके वेजिटेबल जूस, पानी वैसे पीना चाहिए। इजीली डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे मुंह में होते हैं ना सलाइवा के साथ। खाना भी इसलिए धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। और कुछ क्या नहीं पति देव, कम खाना खाना चाहिए। ये आप समझ रहे हैं, ये जो आपका ये बबलू झाग रहा है नीचे से, क्या आपका पेट शर्ट की बटन में से झांकने लगा है? शर्ट की बटन दूजिए, निकल निकल के भाग रहा है नीचे से। क्या आपकी बेल्ट में भी आपका पेट नहीं आता है? क्या आपके सारे पैंट टाइट हो गए हैं? यू नो, मैंने बोल दिया है कि अब हम दिवेश का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं आज से, तो हम 30 डे चैलेंज पे। तो आज से एक्सरसाइज शाम के टाइम, प्रॉपर डाइट, घर का खाना सर। हम कोई ऐसा वाला डाइट नहीं करने वाले कि भूखा मर जाए, सिर्फ सब्जी उबाल के खा रहे हैं। हम सब्जी रोटी मस्त खाएंगे लेकिन सबका पोर्शन कंट्रोल करके, ठीक है? और एक्सरसाइज शाम को 100 पुशअप पर डे। 100 पुशअप के बाद वेट ट्रेनिंग भी करनी है। यस, डन। मैं थोड़ी लाइट वेट करूंगी, तुम हैवी वेट करना जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो ये जो खीरे को छान कर जो मैंने जूस से निकाला है रफेज, इसको हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स में एज अ फर्टिलाइजर। तो अपने गमले में या फिर जहाँ भी आपने प्लांट्स लगाए हुए वहाँ पर डाल सकते हो। ये बहुत ही प्यारे से फूल खिले हुए हैं हमारे घर के बाहर, बड़े सुंदर लग रहे थे मुझे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में घी डाला है, अब हम तड़का लगाएंगे। मैंने रूरू के लिए अलग से निकाल दी है, उसमें जीरा और सौंफ डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी कटी हुई प्याज डाल दी, लहसुन डाल दिया, उसको अच्छे से चला रही हूँ यहाँ पे। प्याज अच्छे से भूनूंगी क्योंकि मैंने लंबी काटी, थोड़ा सा टाइम लेगी प्याज, बट इट्स ओके। यहाँ पे मैं हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ लगभग दो, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी जिससे कि हरी मिर्च भी हल्की सी पक जाए। पहले हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि वो जल जाती है, तो थोड़ा सा पकने के बाद प्याज को मैंने हरी मिर्च यहाँ पर ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है और धनिया भी ऐड कर दिया है। आप जो चाहे मिर्ची यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी रेड वाली यूज़ की जिससे कलर अच्छा आ जाए इस पर। अब हम इसे अच्छे से चला रहे हैं यहाँ पर, तो मसाला एकदम रेडी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ऊपर से मैंने एक शिमला मिर्च डाल दी, एक टमाटर डाल दिया मोटा कटा हुआ, थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है बट ये अच्छी लगती है, काफ़ी वेजीज भी हो जाते हैं आपकी लौकी में। नमक डाल दिया है और जो दाल वाला पानी है वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी लगभग 10 मिनट के लिए जिससे ये अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर तड़का बना रही हूँ रायते के लिए, जीरा और हींग डाल के रायता हमारा रेडी हो गया एकदम। और इसे मैंने हल्का हल्का मैश कर दिया जिससे एक अच्छा टेक्सचर आ जाए। और अब मैं इसमें बची हुई जो हमारी दाल और लौकी है उसको ऐड कर रही हूँ। ऐसे बना के देखना, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी लौकी, बिकॉज इसमें थोड़ा वेजिटेबल्स का और ज़्यादा टच आ जाता है क्योंकि और सारे वेजिटेबल्स हो जाते हैं इसमें। ऊपर से धनिया ऐड कर दिया, आप चाहें तो गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हो।
तो काम खत्म हो गया है, मैंने सब्जी बना दी है, आटा मांड दिया है, सैलड काट दिया है और किचन का काम लगभग खत्म हो चुका है। और पीछे भी थोड़ा मैंने भी सेट कर दिया क्योंकि रूरू खेलती है ना तो पूरी लॉबी की बैंड बजा के रखती है। अभी वो नहाने गई है अपनी दादी के साथ क्योंकि मम्मी नहा रही थी तो मम्मी ने बोला मैंने नहा रही थी अपने साथ, तो अभी तो दादी पोती नहाने गई है तो मैं भी रूरू को सुलाने जा रही हूँ। बाकी एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। चलो ऊपर चलती हूँ और मम्मी से पूछती हूँ कि मटर पनीर बना कि नहीं, क्योंकि मेरा काम तो हो गया, मेरी सब्जी बन गई, अब लगी है बहुत ज़ोरों से भूख, पेट में दर्द हो रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज भी करनी है तो टाइम से खाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं दिवेश क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? अपलोड हुई नहीं अभी? अपलोड हो रही है। काफ़ी लेट हो गया ना आज, ऐसे क्यों करते हो? आज बहुत सारी फाइल थी ना, ड्रोन वोन के। कल से आई थिंक थोड़ा रूटीन बेटर होगा। दिवेश अभी सफाई करके गई है दीदी सारे में। पन्नी तो है, लो उठा के रख लो से। यहाँ क्यों रख दिया, डस्टबिन में डाल के आओ। काम ये लड़का सब सामान फैलाता रहता है। काम करने का मतलब ये नहीं होता कि कचरा मचाया जाए। अच्छा भूख लग रही है, काम कर ले। भूख लग रही है ना, मेरे को भी लग रही है। तुम्हारी सासू माँ ने पता नहीं यार मटर पनीर बना के भेजा नहीं अब तक। मैंने चने की दाल और लौकी बनाई, खाओगे? जो तुमने क्यों बनाई, वहां से आ रहा है। दो सब्जी तो बनानी थी ना। अच्छा अपनी वीडियो के लिए? वीडियो के लिए नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो जाते हैं ना, खाली पनीर से क्या होगा। न्यूट्रिएंट्स भी पूरे किए जाएंगे, अब से तुम दो सब्जी बनाया करोगे रोज। मैं दो सब्जी बनाता हूँ लगभग काफी दिनों से। ठीक है चलो। कैसा बना है उसको, बहुत सही बनाती है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। चलो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ फिर सर्व करते हैं इसको। तो मुझे ना, मैंने भी वीडियो शूट खत्म किया है, मुझे ना इस प्लांट पे, मुझे बेसिकली इस गमले को अपने बैकड्रॉप में रखना था, तो मैं आज सोच रही हूँ थोड़ा सा वक्त है तो मैं इसको कलर कर लेती हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले जब रूरू हुई थी तो कुछ कलर्स मंगाए थे कैनवास पेंट करने के लिए, एक्रेलिक, तो मैं सिर्फ दो तीन ही एक्रेलिक्स पेंट कर पाई, बहुत छोटे छोटे वाले, उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिला। बट मैं सोच रही हूँ कि चलो आज उन्हें इस पे यूज़ कर लेते हैं, हाथ आजमा लेते हैं, थोड़ा सा इस पे पेंट कर लेते हैं आज। तो ये रहे मेरे कलर्स, बाकी सब लोग अभी नीचे मूवी देख रहे हैं। और ये हमारा प्लांट है तो चलो जल्दी से कलर करते हैं इस पे। तो अभी मैंने उसको हल्का हल्का पेंट कर दिया है बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा हो। तो बहुत दिनों बाद जब आप पेंट करते हो ना, एक तो आपके हाथ नहीं चलते, समझ नहीं आता क्या बनाएं, और मतलब क्या ही बना दिया यार मैंने, मेरे को खुद अजीब लग रहा है क्या बना के रख दिया है मैंने। ये शायद अगर थोड़ा टाइम ले लेके बनाऊँ तो फिर अच्छा बनेगा। मैंने बहुत जल्दबाजी में पेंट किया है ऐसे ही, बस मुझे एक नॉर्मल सा चाहिए था कि वो देखने में थोड़ा कलर चेंज हो जाए उसका, तो इसलिए कर दिया। तो अभी एक्सरसाइज का टाइम हो गया, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। और अब हम करेंगे आज 100 पुशअप, पहला दिन। आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी बट मैं पूरी कोशिश करूंगी करने की। चलो फिर जल्दी करते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? और ये आपने अपना फ्रॉक बैकलेस क्यों बनाई हुई है आज? रूरा सामान में क्यों आए हो तुम यहाँ, क्या लाइए तुम्हें? चलो रूर्स गाने चलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे गाने चलाए। क्या देख रहा है ऊपर? ना ना डिब्बा लेके चलो, चलो फेंक ही दिया है। सर क्या करोगी आप? नहीं टूट जाएगा, मम्मा को दे दो। और ले लूँ मैं? दे दूँगा, दे दो बेटा, तो बहुत बदतमीज हो गए हो। देते भी नहीं हो, भागते हो मम्मा को सामान ले। पकड़ो 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 रूरी को, भागो भागो भागो। यहाँ कहाँ भाग रहे हो? मम्मा की तरफ पकड़ो 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 पकड़ो। टूट जाएगा बेटा को, टूट जाएगा। और तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं काम खत्म करके। दिवेश ने वेब सीरीज देखी, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था तो मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ नीचे से कि इंपॉर्टेंट काम तो बाद में करना, हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो 100 पुशअप करने हैं और ये तो मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में है कि ये कर लेगा। मुझे लग रहा है मैं कैसे करूंगी क्योंकि 100 पुशअप बहुत ज्यादा होता है। एक बार में नहीं होंगे? नहीं एक बार में नहीं, टोटल 100 पुशअप। टोटल 100 पुशअप टाइम से किए नहीं है क्योंकि हमने इससे ज्यादा भी किए हैं, एक टाइम पे 180 और 200 तक भी नहीं किया। हां किए हैं लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं किए, मैंने प्रेगनेंसी से पहले कभी किया था तो अभी मुझे तो काफी टाइम हो गया। स्टार्ट करते हैं चले। तो मैंने ये लोवर पहना है ऑरेंज कलर का जो कि जिवा में से आया है मुझे, और सिंपल मेरे शूज हैं और दिवेश की टी शर्ट पहनी है मैंने। यही होता है मेरा वर्कआउट आउटफिट हमेशा लगभग, बस मैंने नया लोवर ले लिया है और नए जूते ले लिए। मैंने ये ब्लैक कलर का लोवर पहना है, ये
ये पैंट से लिया है मैंने 20 रुपए का, ठीक है। ये मैंने टी शर्ट पहनी है, ये मैंने सरोजनी से मंगवाई थी, ये भी 20 रुपए की है। और ये मैंने, ये क्या कहते हैं, लोवर सी घड़ी पहनी है। और नीचे मैंने चप्पल पहनी है, ये क्या कहते हैं, 50 रुपए वाली। तुम्हारा लोवर ही लोवर ना मेरे सारे कपड़ों को मिलाने से महंगा है भाई। और यही मेरा आउटफिट होता है हमेशा वर्कआउट करने का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी रूरू यहाँ पर डांस कर रही है। और पुशअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रो नहीं हूँ पुशअप में। मुझे तो अभी अच्छे से पोस्चर भी नहीं आता पुशअप का, बिकॉज मैंने बहुत कम किए हैं आज तक। तो जैसे मुझसे हो रहा है फिलहाल मैं कर रही हूँ, मे बी 30 डेज में वो थोड़ा सुधर जाए। और हालत ख़राब हो गई पहले पुशअप्स के बाद, मतलब मेरी बैंड बज गई। एक बार मुझसे 10 ही हो पाए हैं एंड आई वॉज लाइक कि बस। और उसके बाद रूरू यहाँ पे खेल रही है। फिर मैंने दूसरा सेट ट्राई किया तो अब मेरे से थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए। इस बार भी मैंने 10 किए, बट अब दिवेश का नंबर है। दिवेश की टेक्निक बहुत ज़्यादा बेटर है मुझसे, मतलब मुझसे अभी ऐसे से होते ही नहीं अच्छे से, बट आई नो कि मैं सीख जाऊँगी थोड़े टाइम बाद। और साथ साथ खेलते खेलते रूरू के हमने कम्प्लीट तो कर दिया। तो अभी हमने, मतलब मैंने 56 कम्प्लीट कर लिया। और दिवेश तुम्हारे कितने हो गए? दिवेश के 62 हो गए हैं, और सॉरी मेरे 58 हो गए हैं, दिवेश के 62 हो गए हैं। हालत ख़राब हो रही है। मैं 10 का सेट कर रही हूँ, दिवेश कभी 15 कर लेता है, कभी 12 कर लेता है। और अब तक जब तक मैंने 50 पूरे नहीं किए थे तो मुझे लग रहा था ना जाने मैं कैसे कर पाऊँगी, बिकॉज पुशअप से मुझे बहुत डर लगता है शुरू से ही, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, मैंने कभी इतने ज़्यादा पुशअप किए नहीं है। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए हमने कभी किए थे, बट दिवेश को आते क्योंकि वो पहले करता रहता था, बट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बट मुझे लगता है कि मैंने 50 नहीं, पर तुमने फिर भी नंबर ऑफ पुशअप्स अपनी लाइफ में ज़्यादा करे हैं, तो मैं कम करती थी। मैंने बहुत लेट सीखे हैं पुशअप करने, तुमसे ही सीखे हैं, मुझे आते ही नहीं थे करने, तो मैंने दिवेश से ही सीखे। और अब मुझे लग रहा है अब मैं कर सकती हूँ। आई थिंक कि छोटा सा हमने माइलस्टोन पार कर लिया 50+ वाला, अभी हो जाएगा। 38 बजे और मेरे भी आई थिंक 42 42 बजे 38। चलो वो खत्म करते हैं जल्दी से। तो फाइनली हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। 100 पुशअप्स हो गए हैं, पापा के भी मम्मा के भी, और डन। और रूरू के भी, रूरू ने पूरे 100 पुशअप किए हैं। और रूरू तो पापा के ऊपर ही बैठ गई थी एंड में आके। तो अब हम क्या करेंगे, अब वेट ट्रेनिंग, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करते हैं। मैं थोड़े से सबसे लाइट वेट से करूंगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि रूरू ने बीच में फीड भी किया तो मुझसे इतना हो नहीं पाएगा। और पापा करेंगे थोड़े से लेग्स करने को जरूरी है। स्क्वाट्स लंजेस, हां जी स्क्वाट्स कर लेते हैं आज, लंजेस अभी रहने देते हैं, कल करेंगे, आज स्क्वाट्स कर लेते हैं। चलो और थोड़े से बाइसेप कर, मैं सोच रहा हूं स्क्वाट्स का भी चैलेंज लेते हैं साथ में। कितने, 50 60 कर लेते हैं, 20-20 के 3 सेट या 20-20 के 2 सेट, चलो 40 कर लेते हैं। हमने 20-20 के 4 सेट भी किए हैं, हमने 30-30 के 4 सेट भी किए, तो 20-20 के 2 सेट कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके साथ सही रहेगा ना, बाकी वेट ट्रेनिंग बैलेंस बना देगा बॉडी का, अपर और लोअर बॉडी दोनों मेंटेन रहेगा। चलो 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 एक्सरसाइज इज डन। और कैसे बाल थे और कैसे हो गए एक्सरसाइज करते करते, और हालत भी, ये देखो टी शर्ट वी शर्ट सब बाहर आ गई है। और रूरू ने भी नहीं ले ली है, रूरू को हमने जबरदस्ती उठा दिया है, वरना रूरू रात में नहीं सोएगी। कल मैं अपने बाल कटवा गया साइड से। क्या हो गया, तुम्हें अपने बालों का? मैं रूरू को देख रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें अपने बालों का कलर करवाना है। अरे हाँ, तुम कलर करवाने वाली थी, कल जाने वाली थी कहीं, क्यों नहीं? ये सोच तो रही थी, फिर पता नहीं यार, बहुत लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं भी वही कह रहा था हिंदी में, पर मेरी बात समझ में नहीं आती। चलो छोड़ो, तो मम्मी की स्ट्रेटनिंग करवाएंगे कल उनके, मैं तो उनको ही मना कर रहा हूँ, उनके बाल भी खराब होंगे स्ट्रेट करवाने। उन्होंने एक बार करवाए थे ना, तो उनको मन है तो वो करवा ही लेंदो यार। यार यार अब तो करवा लेंदो यार, बुढ़ापे में तो करवा रहे हैं। इंसान कब जिए बेचारा, कभी तो करवा दो उसे कुछ, कोई मतलब थोड़ी। मम्मी ने एक बार करवाए थे, मम्मी के ऊपर स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं, उनके बाल बहुत फिजी है ना, तो वो परेशान हो जाती है। अच्छे लगते हैं ना बाल तो है कम से कम। और पता है, और पता है, और पता है किसने करवाए थे, किसने करवाए थे मम्मी के बाल स्ट्रेट, बताओ गेस करो किसने करवाए थे। मुझे क्या पता, आपने करवाए थे? मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। और उस टाइम मैंने बोला था मम्मी के बाल खराब हो जाएंगे, नहीं नहीं अरे अच्छे तो लगेंगे कम से कम। अरे वो शादी का टाइम था ना, शादी का टाइम था, मम्मी उस टाइम मीटिंग्स में जाती थी। हाँ, तो ऐसा कुछ था ना कि जाना होगा, अब तो आपको यहाँ से जाना नहीं है तो क्या दिक्कत है, जैसे वैसे रहो। अच्छा ठीक है, तो हमने सुबह जूस पिया था सिर्फ, दोपहर में हमने खाना खाया, नॉर्मल 2-2 रोटी खाई है, सैलेड खाया था, और थोड़ा सा फ्रूट भी खाया बीच में। और जूस पिया और लीची वीची खाई, और अब हम प्रोटीन पियेंगे और भूख लगेगी तो फ्रूट या फिर सैलेड खा लेंगे, एंड दिस इज आवर डाइट है ना। ये इंटरमीटेंट फास्टिंग है, बहुत लोग बोलते हैं कि मील स्किप नहीं करना चाहिए, बट अगर आप आयुर्वेदा में पढ़ोगे या फिर अभी रिसेंट स्टडीज भी आए इंटरमीटेंट फास्टिंग के बारे में, तो आप पढ़ सकते हो, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत सारी बीमारियां भी उससे दूर होती है और आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम कर पाती है, नींद भी कम आती है, आलस जाता है, एक्सरसाइज करने का मन करता है और काम करने का मन भी करता है। नहीं? Yes. Yes.
चलो फिर एकदम सही यस चलो 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 ले ओ आ गया ये सबसे पहले प्रसाद ढूंढती है मंदिर में आके थाली दिख रही है कसम बन जा थाली जा हल्दी भी चाट रही थी नहीं एक दिन एक दिन हल्दी लेके चाट गई ना फैला गई तो दो बार तू कैसे कैसे काम करती हो भाई तुमने हल्दी गिरा दी भाई मैं पता ही ना कि जहाँ में बताने पड़े तो मैं खाया वाला अरे वाह अरे वाह अरे वाह लूरी तो पूजा कर रही है भाई तो ये एक सीरीज है लॉस्ट इन स्पेस नेटफ्लिक्स पे ये देखनी शुरू करी थी मम्मी ने मम्मी इसके रोज थोड़े थोड़े एपिसोड देखती थी लेकिन एक दिन एक आदमी बीच में आया और उसने कोहरामी मचा दिया कितने एपिसोड देखे आज आज देखे होंगे चार पांच एक घंटे का चार पांच नहीं देखे ज्यादा देखे चार ही देखे एक घंटे चार ज्यादा देखे एक घंटे का एक है मैंने टीवी आके बंद करा और तुमने दोबारा चलाया हाँ हाँ बड़ा नहीं पता था बड़ा एपिसोड है इसका पता क्या होता है मेरे साथ मैं इसीलिए कोई भी सीरीज को बता दूं मैं कोई भी वेब सीरीज वगैरह देखता नहीं हाँ। ना मैं कोई ऐसी मतलब मूवी देखता ज्यादा तीन दिन आते क्यों कर रहा है सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी देखता हूं रह गया एपिसोड हां कल रात भी 1:30 बज गया था ना देखते देखते बताओ मैं कोई भी नहीं देखता नहीं तो पता क्या होता है जिस दिन मैं देखना बैठूंगा वो पूरी रात काली हो जाएगी कल रात को भी हम लगभग 1:30-2 बजे सोए इस चक्कर में और आज भी मैं जब दिन में आया तो खत्म नहीं हुई इसके तीन सीजन है और अभी पता मैंने बोला बाहर घूमने चलते हैं तो अभी कह रहा है ऐसा करते हैं एक एपिसोड देख लेते हैं फिर हम चलेंगे खत्म कर दो नहीं नहीं मैंने देखी मैं तो एक तो सीरियल देखा थी सिमरन बोली मम्मी तुम्हें पता है एक या चैनल पर पिक्चर ही पिक्चर है मैंने मम्मी को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे दिया खरीद के उस पर मैं लगाई ये तो बात है इसीलिए ये चीज बेकार है पता है ये लत लगाती है और मेरे को रोज वो वाला सफर नहीं है कि रोज एक एक देखो तो तुम्हें क्यों देखना है मैंने मम्मी के लिए सब्सक्रिप्शन लिया तुम्हारे लिए नहीं लिया है तो मेरे आगे चलाया मत करो मतलब तुम्हें देखते हैं टीवी बंद कर दे हम हाँ। मैं तो सब्सक्रिप्शन भी खत्म कराऊंगा मुझे ये चाहिए ही नहीं मैं तो देखूंगी भाई अब मम्मी को देखा आज मैंने से बोला की काम खराब होता है इसका मतलब ये नहीं तुम भी देखोगे ठीक है वो देख सकती है तुम नहीं देख सकते और अब वॉक करने चलो आज खत्म करके और फिर आगे टेंशन खत्म भाई कुछ नहीं हो सकता एक घंटा तो ये वो है तो क्या बचे हैं भाई अभी बचे हैं 5 एपिसोड तो 5 घंटे 4 बजे तक खत्म है जाओ बताओ भाई नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है एक घंटा आज कुछ हो जाए मैं जल्दी सोऊंगा कल तक आज मेरा पूरा दिन खराब हुआ तो जल्दी का सो जाओ एक घंटा ये बता रहा मैं आज 9:30 बज रहे हैं आज एक दो एपिसोड देख के कल देख लेंगे बाकी के खत्म करेंगे जल्दी से दो ही देखोगे प्रॉमिस खत्म करूंगा मैं जल्दी 11 बजे तक जितने का तो भी प्रोटीन पी लिया है और मैं एक खरबूजा काट लेती हूं सब लोग मिलके खा लेंगे क्योंकि ये लोग वॉक पे जा नहीं रहे हैं तो जब तक खरबूजे से काम चलाना पड़ेगा और मे बी हम यही खाएंगे एंड दैट्स इट फॉर द डे तो रिमोट जेब में लेके जा रहा था ना अभी वो रखा रिमोट अभी रखा है कहने पे जिसे मम्मी अकेली ना देख सके बोल रहा है घूम के आऊंगा तब तक तुम देख मत लेना